राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना के जल स्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोमवार सुबह 4 बजे यमुना नदी का जल स्तर 205.45 मीटर रिकॉर्ड किया गया। वहीं करीब 7 बजे यमुना का जल स्तर 205.48 मीटर दर्ज किया गया। यमुना के पानी में हुई वृद्धि से दिल्ली के निचले इलाकों पर फिर से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि यमुना का वाटर लेवल अब कम होने लगा है, जिसके चलते राजधानी के कुछ सड़कों को खोल दिया गया था। इसके साथ ही मेट्रो के यमुना बैंक स्टेशन की एंट्री और एग्जिट को भी ओपन कर दिया गया था और मेट्रो ट्रेन की रफ्तार को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से सामान्य गति पर कर दिया गया था। ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये वीडियो ड्रोन से लिया गया है, जिसमें दिख रहा है कि यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से जलभराव की स्थिति अब भी बनी हुई है। वहीं दिल्ली सरकार ने रविवार को कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकारी और प्राइवेट स्कूल मंगलवार तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में बाढ़ वाले इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। यमुना का पानी कम होने के बाद स्कूलों से राहत शिविर हटा लिए जाएंगे। वहीं सरकार का कहना है कि कश्मीरी गेट, ITU और मजनू का टीला समेत दिल्ली के सबसे ज्यादा जलमग्न इलाकों से अब पानी का लेवल कम होने लगा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ 2 से 3 दिनों में जनजीवन फिर से सामान्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि पहाड़ों पर आई बाढ़ का पानी हरियाणा के हथनी कुंड बैराज में आकर जमा हो गया था, जिसमें 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ रिलीज कर दिया गया, जिसके कारण राजधानी में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार करता हुआ रिकॉर्ड 208 मीटर तक पहुंच गया था। यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों यानी लाल किला, ITU, यमुना बैंक, राजघाट, सुप्रीम कोर्ट और वजीराबाद समेत कई जगहों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यहाँ यमुना का पानी घरों में घुसने से बेघर हुए लोग अपने जरूरी सामान और मवेशियों के साथ राहत शिविर में शरण लेने को मजबूर हो गए। आलम यह है कि कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और सड़कों पर नाव चल रही है। मामले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि केंद्र ने दिल्ली में राहत व बचाव कार्यों के लिए NDRF को लगा रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए लोकपत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।